बहुत ही सुंदर लाजवाब गोल और इस तरह से खाता खुल चुका है संथाल परगना टीम का। और उसके गलत बर्ताव यानी कि शायद यहां पर विपक्षी गोलकीपर को थोड़ा सा चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से मैच रेफरी आकाश जैक्सन रावत ने यहां पर ये लगा दिखा दिया है। नहीं पाएगा गोल का देना है। और बिरसा मुंडा एफसी रांची की टीम की तरफ से भी जर्सी नंबर 5 पहने हुए खिलाड़ी इजराइल यूनाइटेड संथाल परगना का सेकंड शॉट जर्सी नंबर 12 उस्मान शॉट के लाइन लेकिन इस बार गोलकीपर का कमाल रेमंड लकड़ा शानदार सेव यहां पर निकालते हुए और इस तरह से संथाल परगना टीम का ये सेकंड शॉट मिस हो गया है। टूर्नामेंट रेड हाई स्कोरर नीथवी ने अकोया जतो कोई जस्टिक गोल स्कोर बिना थे 5 गोल के साथ कोटिया सुंदर गोलकीपर को चकमा देते हुए गोलकीपर बाएं ओर निकल गए और गोलकीपर के मूवमेंट को पहले ही परख लिया था वहां ओटिगा ने और ओटिगा बहुत ही कूल माइंड से खेलते हैं ये खिलाड़ी और जब भी गोल करते हैं वो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं बहुत ही इत्मीनान बस वो अपने खुशी को जाहिर करते हैं। यूनाइटेड संथाल परगना टीम से खोए तीसरा शॉट लगी कि बॉल्स बॉल तक पहुंच
सके। स्कूल में सुपर है, फ्रेंड्स और इस तरह से दुर्भाग्यवश पोस्ट से लगकर बॉल बाहर निकल गई है और इस तरह से चार में दो गोल दो शॉट मिस हो गया है और ये बिरसा मुंडा एफसी रांची टीम के लिए ये डिसीजन बोल हो सकता है। अगर यहाँ गोल दागेंगे तो बिरसा मुंडा एफसी रांची की टीम आज सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरा टीम साबित हो जाएंगे। इससे पहले आज के दिन में एफसी हजारीबाग की टीम फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले एक लौते टीम साबित हुए हैं और अगर यहाँ रांची की टीम अगर उस तरीके से अगर ये 15 नंबर जैसी पहले हुए खिलाड़ी गोल दागेंगे तो यहाँ से बिरसा मुंडा एफसी रांची टीम इस साल सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। उपेंद्र शॉट के लिए आया है सुंदर गोलकीपर को चकमा देते हुए और ये गोल के साथ ही बिरसा मुंडा